कक्षा नौवीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए आपका सेट डी समझेंगे। अंतिम पेपर है सेट सी तक, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की। और हर साल मैं बच्चों को जो पेपर प्रोवाइड कराता हूँ उन्हीं में से आपका वार्षिक पेपर आता है। तो आप तो ये अंतिम पेपर है सेट डी तक, ए बी सी नहीं देखा तो देखना है और कंप्लीट करो, है ना। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है? राम भक्ति काव्यधारा के। वाग्य किसकी काव्य शैली है? लद्दाख की। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में मात्राएं होती है 24। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुखी खाने का अर्थ क्या है? इसका मतलब था हार जाना या हारना। परदादी ने चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बातें करके। बच्चे काम पर जाते हैं, छंद जो होते दो प्रकार के होते हैं। टूटी बोलने का अर्थ क्या होता है? धाक जमाना। मेरे नाना साहब पक्के साहब माने जाते हैं। सालिम अली आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को बताया गया है, यानी सबसे पहला प्रथम उपन्यास कौन है ऐसा है तो परीक्षा गुरु है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। चलिए यहाँ से अपन जोड़िए ये, ठीक है। खंड काव्य, देखो खंड काव्य चित्रण रहेगा तो खंड काव्य कहलाएगा, संपूर्ण चित्रण रहेगा तो महाकाव्य कहलाएगा। हरिशंकर परसाई का आपका दूसरे का मिलान करेंगे वसुधा से। आकाश का आपका जाए नवगगन। जन संपर्क विभाग, चौथे का जाए बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद। मेरे बचपन के दिन, छठे का जाएगा महादेवी वर्मा। हो गया इतना। जय शंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि है या प्रमुख कवि है? बिल्कुल सत्य बात है। जहाँ नायक और नायिका के विराह का होता है ना, वहां होता है वियोग संगा। कौन सा होता है? वियोग। और ये बता रहा संयोग, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ता है ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि बाद में जुड़ता है। और ये तीसरे वाला भी आपका असत्य रहने वाला है। और भैया शंकर लड़कियों के छात्रावास में कागजात करता जूता खाता था क्या? बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। और यहाँ पर आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो तहमीन नाम था। क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या। कहानी में कितने तत्व माने गए? 6, ठीक है भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहां से 7 देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8-9 रहेगा इस तरह का। चलिए अब इसको अपन साइड में रख लेते हैं ना, सॉल्यूशन को देखते हैं क्या मतलब इसको फालतू पेपर को आगे बताने से, है ना। चलिए तो ये सब कचरा हटाओ तो यहाँ सामने से पहले, तो ठीक है ये देखिएगा यहाँ से सेल्ली। छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं, 2 विशेषताएं आएगी परीक्षा में तो पर 4 लिख दी है। व्यक्तिवर्णन की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, सौंदर्यानुभूति। हो गया, इसके बाद में इसका अथवा है, ये 2 प्रगतिवाद कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताइए, इसके बाद में यहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। बच्चे के आने इस पर प्रकृति जिन जिन गतिशील क्रियाओं के कवि ने, ये हो जाएगा यहां से, वो कवि ने अंकन किया है, अंकन किया नहीं लिखा गुड़िया ने। ये आपका प्रश्न 9 रहेगा। मानसरोवर से कवि का, कबीर का क्या आशय है? प्रबंध काव्य
कि भेद परिभाषा बतानी है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये 10 का अथवा है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ ना ताकि थोड़ा सा अपने को स्क्रीनशॉट लेना तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, एक और अजगर लही लखी, एक और मृगराय विकल बटोई, बीच में परियो मूर्छा खाए। ये इसका, ये आपका भयानक रस का है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। ठीक है भैया, यहां से आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। हास्य रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित दीजिएगा। ये कहानी और उपन्यास में अंतर, हो गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। हरिशंकर परसाई की दो रचनाओं के नाम लिखिए। लेखक लड़कों के मार्ग पे अपने साथियों को किस प्रकार पिछड़ गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 का थवा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का थवा 16वां देख लीजिए, निपात शब्द के ऐसे क्या से उदाहरण से ही समझाइएगा। तो ये उदाहरण भी दे लीजिए, राम भी आया है, भी यहाँ पर निपात शब्द है। मोहन ने किताब पढ़ी नहीं है, पढ़ी तक नहीं है, तक मतलब खोली तक नहीं है, मतलब जोर दबा दे जो सेंटेंस पर उसे अपन कहते हैं निपात। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। लेखिका की दादी घर के माहौल पर शब्द चित्र अंकित कीजिए, हो गया इतना। और ये तो मानुष हो तो वही रस खाने, बसो बस निज गोकुल के गांव के ग्वारन। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा आपका, ये उसका थोड़ा रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये 18 हो गया है, यहाँ से देख लो ध्यान से, ये भावार्थ ले लो। मेघ आए हैं बंठन के सवर के, ये प्रसंग और ये भी भावार्थ। ये क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ हो गई, प्रसंग हो गया, ये व्याख्या जिसे अपन भावार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, जो कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट दे दिया, पहले बता दिया शायद, नहीं बताया तो ये देखो पहले तो, ये यहाँ पर पेट वाला, इसका आपका यहाँ पर ही पेट वाला है प्रसंग और ये व्याख्या। ये स्वच्छ भारत अभियान पर आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। थोड़ा सा और छोटा कर दूं ताकि पूरी चीजें आ जाएगी मेरे हिसाब से। आ गई, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 21 ये यहाँ पर है।